भारत में बेरोजगारी की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उसकी हम चर्चा करने से कुरेज करते हैं। सरकारी आंकड़ों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो दिन ब दिन जो है नकेल कस करके सिर्फ और सिर्फ कागजी आंकड़ों को दिखाया जाता है। बेरोजगारों के साथ कितना छल हो रहा है, पूरे भारत में एक छोटा सा नमूना हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से आता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा में, सरगुजा स्थित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। ये घोटाला शब्द हमें क्यों बोलना पड़ रहा है भाई, हमें ही क्यों रडार में ले लिया जाता है? ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा शिकायतकर्ता बोल रहे हैं भाई। शिकायतकर्ता के पास ले चलें, बिल्कुल। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, जिस हम घोटाले की बात कर रहे थे उसी विभाग में, मतलब स्वास्थ्य विभाग, और स्वास्थ्य विभाग के यहाँ मंत्री कौन है, यहाँ के अधिकारी कौन है, उसकी हम चर्चा बाद में कर लेंगे, ठीक ना। लेकिन अभी फिलहाल हम उस घोटाले पर जो है नजर डालते हैं, तो पहले तो अपना परिचय बता देंगे। देखिए, मैं सबसे पहले भारत सम्मान न्यूज को धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि इतने गंभीर मुद्दों पे आज मुझसे बात की। तो जहाँ तक मेरा परिचय आपने पूछा, मैं आलोक दुबे भारतीय जनता पार्टी से नगर निगम अंबिकापुर में पार्षद हूँ। नहीं, पार्षद हैं, देखिए पार्षद भले ही नगर निगम क्षेत्र छत्तीसगढ़ के लिए एक छोटा सा पद हो सकता है शायद छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर के लिए, लेकिन बड़े बड़े कारनामे आपके नाम पे चढ़े जा रहे हैं। यह क्या बात है भाई, क्या राज है बताइए। नहीं जितन भाई, ये तो देखिए लोगों का प्रेम है, और मेरी एक कार्यशैली है कि एक बहुत छोटा जनप्रतिनिधि हूँ मैं, और जब देखता हूँ कि इस आदिवासी बहुल सरगुजा जिले में शासकीय योजनाओं में, शासकीय भर्तियों में जब अति होने लगता है, तब मैं कोशिश करता हूं कि सूचना के अधिकार के तहत और आप जैसे भाइयों के मदद से जो दस्तावेज मुझे मिलते हैं उसकी सप्रमाण मैं शिकायत करता हूं। नहीं, ऑन वीडियो ये तो गलत आप बयान दे रहे हैं भैया, हमने कोई दस्तावेज नहीं दिया है आपको। आपने जितेन भाई नहीं दिया है, मगर मुझको जी 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 जागरूक लोग यहाँ के जो नागरिक है, जो बेरोजगार युवा है, हम तो डर गए भाई ऐसा आप बोल करके वीडियो बयान में। नहीं देखिए क्या है, यहाँ के जो बेरोजगार युवा है विशेषकर आदिवासी यहाँ के युवा ज्यादा है, आदिवासी बहुल जिला है, उन लोगों के माध्यम से इन घोटालों की जानकारियां मुझे मिलती हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि सप्रमाण इसकी मैं उच्च स्तरीय, मतलब तभी जो है आंकड़ों पे आप बात कर पाते हैं शायद, वही है राज। हाँ जीतन भाई, मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी आरोप अगर मैं लगाऊं तो मेरे पास उसका प्रमाण मौजूद रहे, बिल्कुल होना भी चाहिए, ताकि जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं। अच्छा मुद्दे पे लौटेंगे ना, हम लोग का जो चर्चा है वो बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा चलिए ये बताइए मेरे को, अब ये स्वास्थ्य विभाग में क्या बड़ा आंकड़ा, क्या महाघोटाला, क्या घोटाला सामने आ रहा है? देखिए अंबिकापुर का जो जिला मुख्यालय है सरगुजा का अंबिकापुर, यहाँ राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी चिकित्सा महाविद्यालय है, ये अभी नाम रखा गया, अभी नाम रखा, पहले मैंने जो नाम आप वही है जी। तो ये चिकित्सा महाविद्यालय में वर्ष 2022-23 में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। अच्छा, सीधी भर्ती का। हाँ, और उसमें बहुत आश्चर्य की बात है, आप सुनेंगे कि लाइब्रेरी सहायक और स्टूवर्ड, ये दो तृतीय वर्ग के पोस्ट हैं, इन पे सीधी भर्ती का प्रावधान था, बिल्कुल, और सैकड़ों बेरोजगार युवा युवतियों ने इसमें आवेदन किया, मगर वाह रे यहाँ की लाल फीताशाही, और आश्चर्य की बात कि यहाँ के जो माननीय विधायक हैं श्री टी एस सिंह देव, ये बार बार जो है मेरे दर्शक जो है ना बड़े उब से जा रहे हैं, मेरे को लगता है इस नाम को बार बार। नहीं, अब उनकी एक जवाबदारी थी, प्रथम जवाबदारी कि वो ना यहाँ के सिर्फ विधायक हैं बल्कि इस स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। अच्छा, हाँ। और उनसे सरगुजा के युवा, खासकर बेचारे जो यहाँ आदिवासी भाई हैं, बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं, बड़ी उम्मीद पाले थे, मगर वाह रे स्वास्थ्य विभाग में भर्ती का कारनामा। जो मैं दो मुद्दों की बात करूंगा, लाइब्रेरी सहायक और स्टूवर्ड। तो इसमें लाइब्रेरी सहायक में चयन के लिए जो 16 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, बिल्कुल, हाँ। उसमें आप आश्चर्य मानेंगे कि दो सगे भाई,
दो सगे भाई। हाँ, अरे वाह, दो सगे भाई को वहाँ साक्षात्कार के लिए और चयन के लिए बुलाया जाता है। और बहुत आश्चर्य की बात कि चयन समिति में भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से दूर दराज के उनके रिश्तेदार हैं। अच्छा। और इनकी भर्ती हो जाती है। अच्छा। और जो बेचारे अन्य युवा बेरोजगार दावेदार हैं वो अच्छा, पहले ये बताइए छत्तीसगढ़ वासियों को कि ये जो भर्ती प्रक्रिया थी किस स्तर की भर्ती प्रक्रिया थी? नहीं, भर्ती प्रक्रिया तो सीधी थी और प्रदेश स्तर की थी कि संभाग स्तर की थी, ये जानकारी? ना ना, ये तो पूरे प्रदेश स्तर की। अच्छा, प्रदेश स्तर में भी इतने बड़े कारनामे? हाँ, प्रदेश स्तर में भी इतने बड़े कारनामे। और स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला, स्वास्थ्य मंत्री का विधानसभा क्षेत्र। अच्छा। और इनकी स्वर्गीय माता के नाम पे रखा चिकित्सा महाविद्यालय, वहाँ इतना बड़ा घोटाला हो जाता है और स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं कर पाते। तो मैं जो दस्तावेज रखा हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, न सिर्फ लाइब्रेरी सहायक में बल्कि स्टूअर्ड के भी भर्ती में जो दो महिलाओं का चयन हुआ, बेरोजगार युवतियों का, वो भी सगी बहन है। अच्छा, वो भी सगी बहन है। हाँ, ये चमत्कार है। बेरोजगार जो सरगुजा के युवा हैं, छत्तीसगढ़ के युवा मैं बोलूंगा, वो सब बेचारे विज्ञापन मतलब ठगे से महसूस हो रहे हैं। मतलब यहाँ से लेकर के जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जो पोस्ट ऑफिस के सामने जो लाइनें लगी फॉर्म भरने के लिए बेरोजगार युवक, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ठगे से महसूस कर रहे हैं। ये चमत्कार किसने किया? मैं तो मानूंगा कि इसकी जांच माननीय स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव में अगर नैतिकता है तो एक जांच कमेटी बनाकर, क्योंकि ये जो चयन समिति थी जिन्होंने आवेदन मंगाया था उसमें दो सगे भाइयों के लाइब्रेरी सहायक पे भर्ती का और दो सगी बहनों का स्टूअर्ड के भर्ती का, ये अपने आप में चमत्कार है। जैसे ही आपने उक्त घटना के संदर्भ में, उक्त महाघोटाले के संदर्भ में आपने शिकायत किया, तो हमने भी उस शिकायत के पश्चात थोड़ी बहुत जाँच कर ली। तो थोड़ी बहुत जांच करने में यह पता चला कि वहाँ सिर्फ दो मामला नहीं है जनाब, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस पर अभी आपकी भी नज़र नहीं गई है। नहीं, हम तो लगाए हैं सूचना का अधिकार। और आपने जो बात कही जितेंद्र भाई, ये सही है कि ये जो चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर है इसमें ये तो अभी चार भर्तियां एक नमूना है, उदाहरण है छोटा सा, सैकड़ों भर्तियां जो हुई हैं ड्राइवर के, मतलब सभी के पत्ते जो है उखड़ने वाले हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरगुजा के छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय होगा, वहाँ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कैसे आँख मूंदे हुए हैं यह जांच का विषय है। उनसे तो न सिर्फ अंबिकापुर सरगुजा का युवा अपितु पूरे छत्तीसगढ़ का युवा एक न्याय की उम्मीद करता है। और अभी भी आचार संहिता नहीं लगी है जीतन भाई, अभी भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में यह पूरा मामला है। हाँ बिल्कुल है, मतलब आपके शिकायत के बाद में हलचलें तेज हैं। हैं बिल्कुल है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को, हेल्थ सेक्रेटरी को, इस विभाग के प्रमुख सचिव को, सबको मैंने लिखित में शिकायत की है। अच्छा। कि इतना बड़ा भर्ती घोटाला सरगुजा के चिकित्सा महाविद्यालय में हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री के नाक के नीचे। अच्छा अच्छा, ऐसा? हाँ, तो इसकी तो मैं चाहूँगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अगर नैतिकता है उसमें और सरगुजा और छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं यार, कि मतलब पंचायत विभाग जो है दे दिए हैं, मतलब दूसरा विभाग भी आप लेना चाह रहे हैं? गलत बात है मेरे भाई, विभाग तो रहने दीजिए। नहीं नहीं, स्वास्थ्य मंत्री किस्मों से केवल एक विभाग छोड़े और जो सबसे बजट वाला, सबसे मलाईदार स्वास्थ्य विभाग था उसको क्यों बरकरार अपने पास रखे हैं? नैतिकता तो यह होती है कि जब ये इस्तीफा देना ही चाहते थे तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का पहला उदाहरण होगा कि कोई कैबिनेट मंत्री मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, अपने एक विभाग को छोड़ता है। तो वही गुड़ नहीं, से नहीं नहीं, आप जो है दूसरे विभाग के पीछे भी पड़ गए। देखिए, ये गलत बात है। नहीं नहीं, मेरा अपना विभाग के पीछे नहीं, मेरा तो बस दर्द इन छत्तीसगढ़ अंबिकापुर सरगुजा के बेचारे बेरोजगार जो युवा और युवतियां हैं, यहाँ की बच्चियां हैं, इनके साथ न्याय दिलाने को लेकर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जब उस विभाग के मंत्री हैं और ये जो हमारा नया चिकित्सा महाविद्यालय बना है इसमें सैकड़ों भर्तियां, एक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक बात साझा जरूर करना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए, है ये बात कि ये जो सिम्स में जो भर्ती घोटाला हुआ था और वहाँ पे जब जो डॉक्टर्स मौजूद थे वही सरगुजा में आ गए हैं, ऐसा सुनने बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, मिस्टर मूर्ति, मिस्टर आर्या, लाखन सिंह, ये सब वही चर्चित नाम है। हालांकि अब बच्चों की मौत के बाद यहाँ लाखन सिंह को हटा दिया गया, मगर जो वहाँ के चर्चित ये दो तीन डॉक्टर हैं जो आज भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री के वरद हस्त के कारण यहाँ टिके हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस स्वास्थ्य मंत्री का इलाका जो साफ सुथरा रहना चाहिए, दागदार, दाग बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, तो वो दागदार होते जा रहा है, ऐसा क्यों भाई? अब तो ये बात माननीय स्वास्थ्य मंत्री ही बता सकते हैं। और बड़ी उम्मीद थी यहाँ की नगर की जनता, यहाँ क्षेत्र की जनता, सरगुजा की जनता से कि भाई हमारे यहाँ के विधायक माननीय टीएस सिंहदेव जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, यहाँ भर्तियों में पूरी निष्पक्षता होगी, यहाँ की अस्पताल की, मेडिकल कॉलेज की सबकी व्यवस्था चाक चौबंद होगी। मगर सरगुजा वासियों को जितेंद्र भाई बहुत निराशा हाथ लगी और रही सही कसर ये सीधी भर्तियों ने कर दिया। और पूरा आरोप है बेरोजगार जो यहाँ के युवा क्या चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं ये बताइए छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को, कि आखिरकार बेरोजगार जाए तो जाए कहाँ भाई? इस तरह यदि उनके रोजगार पर डाका डाल दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो व्यक्तिगत राय है इस पूरे मामले के तथ्यों को पूरी जानकारी दस्तावेज सहित इकट्ठा करके और माननीय न्यायालय में इसके खिलाफ वाद दायर करना चाहिए, जनहित याचिका दायर करना चाहिए और मैं करूँगा। मैं यहाँ के बेरोजगार युवा युवतियों के, मतलब सिम्स में जो महाघोटाला हुआ था भर्ती को प्रक्रिया को लेकर के, कहीं उसी तरह जो है ये भी हवा हवाई तो नहीं हो जाएगा जांच? नहीं 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 जितेंद्र भाई, हम अगर कोई चीज़ का आश्वासन दे रहे हैं यहाँ के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए तो इसको हम तो अंजाम तक पहुँचाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा अवसर मिला था यहाँ के बेरोजगार युवक युवतियों को और उनके हक को मारा जा रहा है, भाई भतीजा किया जा रहा है, अफसरशाही हावी है, चयन समिति में जो लोग बैठे हैं उनके रिश्तेदारों की भर्तियां हो रही हैं। अगर ये बात गलत हो जाए तो जो सजा है मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। ये स्वास्थ्य मंत्री अगर अभी भी समय बचा है, पुनः मैं कह रहा हूं कि आचार संहिता लगने के पहले अगर नैतिकता है तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जितनी भी भर्तियां हुई हैं पूरे दस्तावेज निकलवा कर एक टीम बनाकर इसकी जांच करा दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और नहीं होगा तो जो सजा है मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। तो सजा आप क्यों भुगतेंगे भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं जितेन भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि दाल में नमक चलता है। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। नमक में दाल नहीं। अच्छा। और जो यहाँ का भर्ती है, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को रख दिया गया है? एक बहुत सीधा आपने शब्द बोला और वही हो रहा है पूरी तरह। यहाँ मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का, प्रशासन हो चाहे जिला चिकित्सालय का, ये पूरी तरह मनमानी पे उतारू है। डॉक्टरों पर किसी का नियंत्रण नहीं है। वर्तमान जिलाधीश थोड़ी बहुत कोशिश किए मगर कोई बहुत असर उनके भी प्रशासनिक हनक का इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिला चिकित्सालय में होते नहीं दिखता। मतलब इस मेडिकल अस्पताल और कॉलेज की ही बात नहीं है, यदि गौर करें तो पूरे छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है कमोबेश वैसा ही है। लेकिन ये जो बिल्ली और दूध का जो कहावत है बहुत अच्छे से जो है इस महाघोटाले में चरितार्थ होता जरूर नज़र आ रहा है। हमारी पैनी नज़र हर खबरों पर रहती है और बेबाकी से हम सारे खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हैं। तो कृपया इस खबर को अच्छा लगे तो बेरोजगार भाई या जो भी सगे संबंधी हैं तत्काल इसे वायरल करना शुरू कीजिए, ताकि संबंधित विभाग के सभी दोषियों के विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द हो सके। हम जानेंगे कि भारत में किसी भी विभाग के पदों की पूर्ति के लिए शासन प्रशासन के प्रमुख पदों पर बैठे लोग कैसे छल करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अपने ही लोगों को सीधी भर्ती प्रक्रिया में कैसे शामिल करते हैं। छत्तीसगढ़ में सीडीपीएससी से लेकर चपरासी तक के भर्ती प्रक्रिया का विवादों से नाता न हो ऐसा हम सोच भी कैसे सकते हैं। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ स्थित सरगुजा के स्वास्थ्य विभाग में हुई भर्ती की गड़बड़ी आज सुर्खियां बटोर रही हैं। आपको यह बताना लाजमी होगा कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री टीएस सिंहदेव हैं, जिनके गृह निवास से लगभग 100 मीटर की दूरी पर राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालय है, जिसमें सिम्स बिलासपुर की तर्ज पर सीधी भर्ती प्रक्रिया में भारी घोटाला सामने आ रहा है। आपको यह भी बताना जरूरी है कि सिम्स के ऊपर लगे आरोपों की जांच आज तक नहीं हो पाई है, मतलब दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई अभी भी शून्य है।
आपकी जानकारी में एक बात भी जोड़ना जरूरी हो गया है। जब सिम्स बिलासपुर में भर्ती प्रक्रिया को लेकर आरोप लगा था, वहां पर अंबिकापुर में वर्तमान पदस्थ डॉक्टर उस समय बिलासपुर में ही पदस्थ थे। अब बिलासपुर की तर्ज पर भर्ती प्रक्रिया में महाघोटाला सरगुजा में भी हो रहा है, तो हम कैसे मान लें? बिलासपुर में हुए भर्ती घोटाले की जांच अभी तक हुई नहीं, सरगुजा में हुए भर्ती घोटाले पर जांच कब तक होगी? अब रुक करते हैं सीधी भर्ती घोटाले पर एक नजर। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा का नाम बदलकर राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंह देव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर छत्तीसगढ़ रख दिया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। यह आरोप लगा है कि मंत्री के नाम को धूमिल करने की साजिश रची जा रही है, कैसे आइए जानते हैं। अब न्यायप्रिय मंत्री टीएस सिंहदेव के नजर के ठीक सामने ही विभाग की प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग बेरोजगारों के साथ छल करते हुए 2020 के संविदा भर्ती घोटाले में जबरदस्त कामयाबी के बाद आइए नजर डालते हैं 2022-23 के सीधी भर्ती मतलब तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के विज्ञापन दिनांक 16/8/2022 पर। इस भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ स्तर के बेरोजगारों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। ना पात्र ना अपात्र की सूची, ना ही कोई दावा पत्ति, ना काउंसलिंग, ना ही एक पदों में कम से कम 3 लोग को बुलाकर साक्षात्कार, सीधे पदों के लिए एक उम्मीदवार को चयनित करके डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज सत्यापन के लिए दिनांक 17/8/2023 को बुलाया जाता है, जिसमें एक पद के लिए एक उम्मीदवार को और दिखावे के लिए एकमात्र लाइब्रेरी सहायक पद ऐसा है जिसमें 2 पदों की एवज में 16 लोग को बुलाया जाता है। इन 16 लोगों में भी पेज क्रमांक 67 के संख्या क्रमांक 2 और 4 के 2 उम्मीदवार संभवतः आपस में सगे संबंधी हैं, जिन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित किया गया है। चमत्कार देखें, वह 2-2 पदों पर चयन सूची में विराजमान है, लेकिन चमत्कारी बाबा का नाम तो शायद जांच एजेंसी ही पता लगा पाएगी। दूसरा कैटलागर पद के उम्मीदवार को सत्यापन सूची में पेज क्रमांक 68 के संख्या क्रमांक 3 और 5 में भी सीता गीता को शामिल किया गया है, वही जिसे सगे संबंधी बताया जा रहा था, अब उसे मैंने नाम बदलकर सीता गीता रख दिया गया। रुको जरा, अब इसी सूची पद कैटलागर में 8वें नंबर के क्रमांक पर जो महिला उम्मीदवार है मेडिकल कॉलेज में कलेक्टर दर के कार्यरत कर्मी की बहन है, और यह जो भाई साहब हैं ऑपरेटर महोदय, वह स्वयं मेडिको सोशल वर्कर पद की चयन सूची के पेज क्रमांक 65 के 3रे नंबर पर मौजूद हैं। अभी भी चमत्कार देखना बाकी है। यह चमत्कार अचानक से हुआ कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि वही सीता गीता 2 सगी बहने हैं जो चिकित्सा महाविद्यालय के 2020 संविदा भर्ती में चयनित होकर अभी भी नौकरी कर रहे हैं, जिसे पेज नंबर 31 के संख्या क्रमांक 14 और 16 में देखा जा सकता है। आपको महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू कराना हमारा फर्ज है भाई। जब मेडिको सोशल वर्कर पद की कुल 4 सीटें हैं और सिर्फ 4 उम्मीदवार को ही चयनित करते हुए दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है, देखो यह भी चमत्कार के ऊपर चमत्कार है, मतलब नौकरी पक्की भाई। रुकिए जरा, अभी आगे सुनिए। इसी पद की सूची संख्या क्रमांक 2 और 4 है, वह सगे भाई हैं। अरे यह क्या, साथ ही इनमें से एक संख्या क्रमांक 2 की पत्नी संविदा भर्ती 2020 में पहले से कार्यरत है और 2023 के सीधी भर्ती के 2 अलग अलग पदों के लिए चयन सूची में भी नाम दर्ज है, जिसका उल्लेख हमने सीता गीता के रूप में पहले भी दे चुके हैं। मतलब समूचे छत्तीसगढ़ में घूम जाइए, भूल जाइए कि कोई नौकरी के लिए कितने लोगों के धक्के मुक्के खाकर पोस्ट ऑफिस के सामने रात रात भर जग कर लाइन लगाई थी। यह तो उससे भी बड़ा चमत्कार है, रुकिए जरा और भी है। इसी प्रकार स्टुअर्ड पद में जिन 2 लोगों का नाम चयन सूची में है, वह पहले से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में संविदा यानी कलेक्टर दर के रूप में ऑपरेटर एवं डाइटिशियन पद पर पहले से पदस्थ हैं। यह जानकारी चयन सूची में पेज क्रमांक 64 के संख्या क्रमांक 1 व 2 में दर्ज है, जिसे आप देख सकते हैं। इसी तरह कई पदों पर चयनित उम्मीदवारों की रिश्तेदारी सिर्फ और सिर्फ राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारियों से है, तो शंका करना लाजमी है भाई। अब देखना यह है कि सरगुजा व छत्तीसगढ़ के गौरव मृदुभाषी न्यायप्रिय जन जन के नेता छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक
अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव इस महाघोटाले में क्या कार्रवाई करते हैं, वर्तमान स्थिति, भर्ती प्रक्रिया को क्यों रोका गया है, यह तो समझ से ही परे है। अब ले चलते हैं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के सीधी भर्ती। सन 2017 में 18 प्रकार के पद भरना था, पर आज दिनांक तक कुछ पदों की नियुक्ति को छोड़कर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। वजह हमें भी नहीं पता, पर भारत में उन सभी बेरोजगारों का दर्द देखने सुनने को जरूर मिलता है जिन्होंने कई विभागों के कई पदों के लिए कई कई बार आवेदन किए हैं और हजारों रुपए आवेदन शुल्क के नाम पर भरते जा रहे हैं, और किसी भी भर्ती प्रक्रिया का पूर्ण नहीं होना किसकी जवाबदेही बनती है भाई? चुनाव का माहौल है, सियासी पारा सातवें आसमान पर है, मतलब साफ है। अपने नेताओं से यह सवाल आपको जरूर पूछनी चाहिए। शिकायत के अलावा जितनी भी जानकारी हमें मिली है वह विभाग के अधिकृत वेबसाइट में ही सार्वजनिक की गई है, मतलब साफ है कि हम जितने भी कारनामे करते जाएंगे उसे बकायदे अधिकृत वेबसाइट में आपको दिखाएंगे कि हम और क्या क्या कारनामे करने वाले हैं। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।